वेलकम दोस्तों, आज कुछ इम्पॉर्टेंट सफिक वर्ड के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है, जैसे कि SR, MR, GR, ER और लॉन्ग एक्टिंग टेबलेट के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों ऐसा लिखा होता है टेबलेट के पीछे। तो ये सेकंड पार्ट की वीडियो है, इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी है। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, जैसे कुछ टर्म जो पीछे लगे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SR। SR का मतलब क्या होता है? सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज ऐसी मेडिकेशन जो कि कैप्सूल फार्म और टेबलेट फार्म में आती है। इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो ये मेडिसिन आपको लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। मतलब क्या है कि आप इस मेडिसिन को ले लिए हैं तो ये मेडिसिन आपको काफ़ी समय तक रिलीफ दे रखेगी। वहीं अगर कुछ अदर टर्म की बात करें, जैसे कि MR, MR टर्म का मतलब होता है मॉडिफाइंग रिलीज टेबलेट, जिसमें MR लिखा होता है पीछे के साइड में। तो ये मेडिसिन जो होती है जिसमें कैप्सूल, टेबलेट और पिल्स आते हैं, जो कि डिजॉल्व होती है ड्रग्स ओवर टाइम इन ऑर्डर टू बी रिलीज स्लो इन ब्लड स्ट्रीम। ये मेडिसिन हमारे ब्लड में बहुत ही स्लो वर्क करती है, जिससे हमें कुछ समय के बाद जो है वो हमारी बॉडी को रिलीफ मिलता है। वहीं अगर बात करें GR टर्म का मतलब होता है गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टेबलेट। गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टेबलेट ऐसे टेबलेट जो कि हमारी स्टमक में जो एसिडिटी बन रही है उसमें ये जो है वर्क ना करके, जैसे कि कैन रेजिस्ट द स्टमक एंड रिलीज देयर एक्टिव इन्ग्रीडियंट इन द इंटेस्टाइन। मतलब ये मेडिसिन हमारे स्टमक में जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, ये डायरेक्ट जाके हमारे इंटेस्टाइन पे वर्क करती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कोटिंग टेबलेट होती है जो कि डिजॉल्व नहीं होता है हमारे पेट के एसिड में, यानी हमारे पेट में जो एसिड रहता है उसमें ये डिजॉल्व ना होके ये जाके हमारे जो है GIT रीजन पे, कह सकते हैं वहाँ पे ये डिजॉल्व होता है। तो GR का मतलब ये होता है। वहीं अदर वर्ड की बात करें, कुछ अदर वर्ड जैसे कि ER, आपने देखा होगा कई मेडिसिन के पीछे ER लगा होता है, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड रिलीज। मतलब ये मेडिकेशन जो कि मेंटेन करती है मोर कंसिस्टेंसी लेवल ऑफ मेडिकेशन इन योर बॉडी, दिस कुड मीन बेटर ट्रीटमेंट आउटकम फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपको लॉन्गर टाइम तक कोई अदर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं कुछ अदर टर्म की बात करें जिसमें लिखा होता है LA। LA का मतलब होता है यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग, ऐसी मेडिकेशन जो कि हमारे ब्लड के थ्रू स्लोली अब्जॉर्ब होती है, और जब ये मेडिसिन लेते हैं ये काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कि आपको जानना ज़रूरी था। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू दोस्तों।